बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन सामईन, मैं हूँ सफ़िया बलोच और मैं आपसे मुखातिब हूँ अपने YouTube चैनल सिंध वे से। आज का मेरा टॉपिक है ज़ना क्या है। अगर मर्द एक ऐसी औरत से सोहबत हम बिस्तरी करे जो उसकी बीवी नहीं है तो ये ज़ना कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि किसी के साथ सोने को ही ज़ना कहते हैं, बल्कि छूना भी ज़ना का एक हिस्सा है और किसी पराई औरत को देखना आँखों का ज़ना है। ज़ना को इस्लाम में बहुत बड़े गुनाहों में शुमार किया गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों को ये सज़ा दुनिया में ही रखी है और मरने के बाद अल्लाह इसकी सख्त सज़ा देगा। ज़ना के बारे में कुछ अहादीस और कुरान पाक की आयत आपको सुनाती हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मुस्लिम होते हुए तो कोई ज़ना कर ही नहीं सकता। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, और देखो ज़ना के करीब भी न जाना, ये बेहयाई है और बुरी राह है। ज़ना की सज़ा और अज़ाब, अगर ज़ना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए, और अगर कुंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। आजकल देखने में आया है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, ख़ास करके उस बाज़ार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं। किसका हाथ किसको लग रहा है, कहां लगता है, कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान से सुनाते हैं, बल्कि उनको भी ऐसा करने की राय देते हैं। अगर कोई अकेले लड़के या लड़की कोई गलत काम करता है तो इसका गुनाह उसके माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने उनकी जल्दी शादी नहीं की, जिसकी वजह से वो गलत काम करने लगे। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप इनकी शादी ना करे तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है और उनके घर की बरकत ख़त्म हो जाती है, और अल्लाह उन माँ बाप से क़यामत के दिन हिसाब मांगेगा। और एक जगह अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, पाक दामन औरतें पाक दामन मर्दों के लिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप खुद अच्छे हैं तो अल्लाह आपको भी अच्छी बीवी या दूल्हा देगा, और अगर आप ख़राब हैं तो समझ लीजिए। इंसान जो भी गलत काम करता है उसकी कीमत उसके बच्चों, माँ या बहन को इस दुनिया में ही अदा करनी पड़ती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहते हैं कि ज़ना एक कर्ज है, अगर तू इस कर्ज लेगा तो तेरे घर से यानी तेरी बहन बेटी से वसूल किया जाएगा। दोस्तों, इस कबीरा गुनाह की और भी सज़ाएं हैं, लेकिन खुद भी बचें और अपने दोस्तों को भी बचाएं। अगर आपने अपने जिनसी किस्सा आपके दोस्त सहेली को सुनाया और उसके दिल में भी ऐसा करने की बात आ गई और उसने वो काम कर लिया तो उसका गुनाह आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने ही इसको गलत रास्ता दिखाया है। और आपके दोस्त आगे भी जितने लोगों को ये गलत रास्ता दिखाएंगे, उन सब का गुनाह भी आपके खाते में आएगा। सबके घर में बहन बेटी माँ हैं, अगर आप दूसरे की तरफ ताक झांक करोगे तो आपका घर भी महफूज नहीं रहेगा। अल्लाह हम सबको इस बड़े गुनाह से बचाए, आमीन। आज आप इस पैगाम को अगर किसी एक को भी सेंड कर दें तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितने लोग अल्लाह अज़्ज़ो जल से तौबा कर लेंगे।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो जो कि जना के मुतल्लिक थी ज़रूर पसंद आएगी, और आपसे गुजारिश करूँगी कि आप ये वीडियो आगे शेयर ज़रूर ज़रूर कीजिएगा ताकि सब तक मेरा पैगाम पहुँचे और हम गुनाह से बुराई से जितना खुद को बचा सकते हैं बच सकते हैं बचाएं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और गुनाहों से बचाए, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।